friends, so today we are going to read chapter 5 of class 1st EVS term 3rd, making communication. Today after having dinner, my mother, brother and I were watching news on television. It was from the news that we got to know that a tsunami had hit Japan. My father was in Japan on that very day. We were all worried. Brother took mother a smartphone and made a video call to father. Then we got to know that father was safe. We were happy and went off to bed. Okay. आज जैसे ही हमने डिनर किया और डिनर से उठे तो हम लोग टेलीविज़न पे न्यूज़ देख रहे थे. हमने न्यूज़ में देखा कि जापान में सुनामी स्ट्रक हुई है, सुनामी आई है. मेरे फादर जो थे वो जापान में ही रह रहे थे उस समय. सो हम बहुत वरीड हो गए कि फादर ठीक तो होंगे ना. तो मेरे ब्रदर ने मेरे मदर का स्मार्टफोन लिया और फादर को वीडियो कॉल किया. और फिर हमको ये पता चला कि हमारे जो फादर हैं, मेरे जो फादर हैं, वो बिल्कुल सेफ है. सो हम खुश हो गए और जाके सो गए बेड पे. अब इस चैप्टर के टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन होता क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? अब डिफरेंट मीन्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के? चैप्टर, अब हम पहले टॉपिक पे आते हैं. कम्युनिकेशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स विथ ईच अदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. किसी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग्स शेयर करना एक दूसरे के साथ, यही कम्युनिकेशन कहलाता है. राइटिंग, टॉकिंग ऑन फोन एंड टॉकिंग, ओके, ये सब कम्युनिकेशन है. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके. बहुत सारे अलग अलग मीन्स होते हैं कम्युनिकेशन के. न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, ये भी मीन्स है कम्युनिकेशन के, ओके. सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड. अब हम आते हैं इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन पे. वी कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग, वेरी गुड. इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. Radio. It is a means of communications. Television. How do we communicate with each other? Sharing information, thoughts, ideas, and feeling. Why do we need to communicate? We need to communicate to gather information. So this chapter is finished.